नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टोमानी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 11 मई सन 2022। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑयल सीड्स के ऊपर, सोयाबीन, पाम ऑयल और सरसों के ऊपर, जो महत्वपूर्ण ऑयल सीड्स माने जाते हैं ग्लोबल लेवल पर। सबसे पहले खबर निकलती आई है सोयाबीन पर। दोस्तों, अर्जेंटीना से खबर निकल के आ रही है कि सोयाबीन के उत्पादक क्षेत्रों में आने वाले दिन हल्की बरसात की संभावनाएं बताई जा रही हैं और मौसम कुल मिलाकर साफ बताया जा रहा है। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स में ग्रेन्स एक्सचेंज ने ये अनुमान व्यक्त किया है कि मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए किसानों को सीजन 2021-22 के लिए प्रमुख तिलहन फसल सोयाबीन की तेजी से कटाई करने का मौका मिलेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि सोयाबीन की फसल अर्जेंटीना में करीब 4.20 करोड़ टन होने की संभावनाएं बताई जा रही है। ये खबर थी अर्जेंटीना की सोयाबीन की। अब पाम ऑयल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पिछले 3-4 दिनों में मलेशिया के पाम ऑयल कीमत में जो गिरावट का रुख था वो आज लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। मलेशिया पाम ऑयल की कीमत में वृद्धि से घरेलू बाजार भी प्रभावित होने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों, सोयाबीन के भाव हम चर्चा कर रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों में। दाऊद से खबर निकल के आ रही है, सोयाबीन वहाँ पे 6600 से 6800 रुपये के बीच बिक रहा है और तिल, पुराना तिल 7500 से 9000 के बीच है और नया तिल 8500 से 9000 के बीच बिक रहा है। मध्य प्रदेश, जो देश का प्रमुख सोयाबीन का उत्पादक राज्य है, वहाँ की मंडियों की भी खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले इंदौर छावनी से निकल के आ रही है, 6900 से 7100 रुपये के भाव सोयाबीन के हैं और आवक वहाँ पे 300 बैग्स की है। इंदौर लक्ष्मीनगर से खबर है कि सोयाबीन 6900 से 7100 के भाव है और आवक यहाँ पे 300 बैग्स की है। देवास मध्य प्रदेश 7000 से 7100 के भाव और आवक यहाँ 1500 बोरी की है। दोस्तों, अब नज़र आ रही है, अब बात कर लेते हैं हम कोलकाता। BBRL सोया लूज जो है वो 163 का है और टिन यहाँ 2563 का है। पाउच 152 और बॉटल सोया की 155 के भाव हैं। वनस्पति जो भोजन जार है वहाँ पे 2500 के भाव बताए जा रहे हैं और BIB 2400 के भाव हैं। शिवा गोल्ड 2630 के भाव हैं। धुलिया से सोया से खबर के निकल के आ रही है, संजय सोया के जो भाव हैं वो सोया तेल 1575 से 1580 और पाम 1580 से 1585 है। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर 1870 के भाव हैं और कॉटन ऑयल यानी 1600 से 1605 रुपये के भाव हैं। सोयाबीन यहाँ 6975 के भाव हैं। और अब चर्चा है महाराष्ट्र सोया प्लांट की। महाराष्ट्र सोया प्लांट, इसमें GST अलग है। लातूर से खबर निकल के आ रही है, विजय का भाव 6950 और धनराज 7175 के भाव बताए जा रहे हैं। जीवन एग्रो का जो है वो पाम ऑयल 1601 के भाव है और सरसों रिफाइंड तेल 1575 के भाव नजर के आ रहे हैं। अब हम प्रमुख ऑयल सीड सरसों के ऊपर बात करते हैं, मस्टर्ड सीड की। गोयलकोटा के जो भाव हैं वो 7100 के हैं, बरवाला 6900 के हैं और हिसार 6800 से 6900 के भाव हैं। आवक यहाँ पे लगभग 3000 बैग्स ही बताई जा रही है। अब अरंडी यानी कि ये बात कर लेते हैं, कैस्टर्स की। जगाना के 7400 के भाव हैं और NK 7275 से के भाव बताए जा रहे हैं। अदानी मुद्रा 7300 और अदानी कड़ी 7300 के भाव हैं। गोकुल सिद्धपुर 7300 और कांडला एग्रो 7300 के भाव हैं। किशन 7375 और मार्जी हरी 7175 के भाव हैं। 7175 से 7200 के भाव हैं। गिरनार की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 7175 से 7200 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पूरे देश का अरंडी का भाव, सरसों का भाव, पाम ऑयल, सोयाबीन, इन सभी का एक संक्षिप्त सूचना आप सभी के लिए। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर जो ऑयल सीड्स है यानी तेल के भाव हैं उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट संभवतः ना हो, धीरे धीरे भाव सुधरने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बड़ी तेजी के बाद आपको याद होगा जनवरी महीने के अंदर जब सोया रिफाइंड और सोया के ऊपर, ऑयल सीड्स के ऊपर
NCDX पे भी रोक लगी थी, उस वक्त सबसे पहले हमने कहा था धैर्य से माल रोकिए, और 1020 का भाव का जो सोया रिफाइंड का भाव था वो 1700 रुपये से अधिक बिका। तो दोस्तों अब आने वाले समय के अंदर क्या संभावना है? बहुत तेज़ी या मंदी की बनेगी, तेज़ी बनने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बहुत शानदार मंदी भी बन सकती है, जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने अपने क्लाइंट्स को पहले दिया है। आप भी चाहते हैं कि आपको अग्रिम अनुमान विश्लेषण प्राप्त हो तो बिल्कुल संपर्क करें, पेड रिपोर्ट्स के लिए नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी।